नासिक राष्ट्र कवि संगम की यात्रा श्री राम पथ गमन काव्य यात्रा पाप अनाचार को दूर करने राम जी की सेना चली अपार उत्साह भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर यात्रा फुगेवाड़ी दत्त मंदिर चिकुवाड़ी वात्या राजगुरु नगर रवेड़ आबे गांव प्रखंड नारायण गांव। तो पहला दिन की शुरुआत हम राम से करते, प्रभु राम के नाम से हम सब बोलते हैं श्री राम राम राम, इस नाम से चालू होता है हमारा दिन। तो हमारी मन मन में राम का वास है और इस राम की पादुका हमारे मोशी नगरी में आई, इससे हमारा सौभाग्य क्या अधिक हो सकता है। इसके लिए जो भी शुभकामनाएं हम इन सब रथ यात्रियों को दे रहे हैं कि इनका आगे का सफर सफल हो, इतनी इच्छा है। और इनका राम का सब जगह में राम नाम ऐसा जब हर कण कण में हमारे जहां से रथ गुजरता है वहां पे हो जाए, इतनी इच्छा है। और यहां छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे सबके प्रभु है, जो श्री राम और छत्रपति का यहां मोशी में पुष्पहार माला डाल के यहां पे स्वागत किया है हमारे मोशीकरों ने, तो जिससे हमारा सौभाग्य अधिक क्या हो सकता है। इसके लिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। श्री राम मंदिर द संगमनेर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दत्त मंदिर नासिक रोड पासपोर्ट ऑफिस पाटीदार भवन गायत्री भवन अग्रवाल समाज गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा होते हुए। राम की बात नहीं, तो राम की बात यह है वापस अपने वनवासी को गले लगाए, अपनी भाषा सुने, क्योंकि सोचने की बात है। पंजाबी में पंजाब जो गया था तो कम से कम 1.5-2 महीने पंजाब रहा, थोड़ी बहुत पंजाबी सीखने में आई गुरदासपुर जिले के आसपास। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज किसी भी पंजाबी को अंग्रेजी तो आती है, पर दशमेश साहब जहां पर रहे नांदेड़ में शरीर त्यागा, वहां की मराठी पूरी कई लोगों को नहीं आती। हमको अंग्रेजों की भाषा तो आती है, लेकिन हमको अपने गुरु साहब की पंजाबी नहीं आती, हमको अपने दक्षिण की भाषा नहीं आती, विवेकानंद की बंगाली भाषा नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमको अंग्रेजी तो सिखाई गई। कैलाश मठ ट्रस्ट नासिक पहुंची, रंगोली बनाकर स्वागत द्वार बनाकर नाचते हुए ढोल बैंडों पुष्पों की वर्षा करते हुए हजारों की संख्या में भक्तों ने विश्व हिंदू परिषद गायत्री परिवार बजरंग दल अग्रवाल समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा व जन साधारण ने अपनी श्रद्धा प्रभु में व्यक्त की। विभिन्न प्रांत स्थानीय कवियों राष्ट्रीय कवियों द्वारा विराट कवि सम्मेलन साय कैलाश मठ नासिक में पहुंचा। जिसको हम काव्य यात्रा भी कह रहे हैं, ये श्रीलंका से शुरू होके जिसका 14 मार्च 2022 में समापन होना है, आज पंचवटी नासिक भक्ति धाम में हम पूरे नासिक करों ने स्वागत किया और जगह जगह इसका स्वागत किया। उसके उपलक्ष्य में हमारी साहित्यिक संस्थाएं जो नासिक की हैं, और ये कुसमा ब्रज की धरती है, राम की पावन भूमि है, आज हम सब उस यात्रा का पुण्य लाभ ले रहे हैं और नासिक का जनमानस इसका आनंद ले रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये कवियों का एक सम्मेलन आमंत्रित किया गया है जिसमें देश भर के कवि आए हैं, मूलतः हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अयोध्या, नासिक, ये सब कवियों का पाठ चल रहा है। और हमारे परम मित्र चौहान साहब का जो चैनल है सुदर्शन, उन्होंने निवेदन किया कि हम दो शब्द बोले, तो आप लोगों के माध्यम से राम के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और जो विश्व हिंदू परिषद और तमाम सारे अनुसांगिक संगठनों द्वारा राम मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण आयोजित किया गया है, उसके उपलक्ष्य में जो निधि निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निधि दें जिससे भव्य राम मंदिर बन कर विश्व में एक अनूठा वास्तु बने और राम की महिमा तो स्वयं विश्व जानता है,
उसमें और चार चांद लगे ऐसी प्रार्थना है। गुजरात हरियाणा महाराष्ट्र के स्थानीय कवियों राष्ट्र कवियों ने भगवान श्री राम की यादगार राम सभागार में प्रस्तुत की। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना अतिथियों के सम्मान के बाद 25 कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस बेटियों के माँ कभी स्वयंवर नहीं होते के मुखलिस बेटियों के माँ कभी स्वयंवर नहीं होते। एक क्षण में जो मैंने मेरी बेटी के लिए लिखा है मैं आप सबको सौंप कर रहा हूँ। पुष्प कहूँ तुझको उपवन का या देवी अवतार कहूँ। सियाराम जय माता जी, मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। मेरे राम को अवतार लेकर कलयुग में आना पड़ेगा। मेरे राम को अवतार लेकर कलयुग में आना पड़ेगा। लाचार बन बैठी कौशल्या घर के चौखट पर सभी महान भावों को मेरा नमस्कार। वर्तमान और भविष्य के बीच में जूझते हुए मानव की परिस्थिति पर एक छोटी सी कविता के साथ मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे प्रस्तुति पर आती हूँ। त्याग कर अपनी सुख और शांति को, त्याग कर अपनी सुख और शांति को, लगे हैं जुटाने में कल की कांति को। सुकून से भविष्य में सोने को, सुकून से भविष्य में सोने को, तैयार हैं अपनी नींद भी आज खोने को। बेहतर बनाने की चाह में अपने कल को, जीना ही छोड़ दिया आज के इस पल को। मजबूत किया धन संपत्ति और अपने बल को, मजबूत किया धन संपत्ति और बल को, जो रह गई कसर कोई तो इस्तेमाल किया छल को। मिटाने के लिए कल अपने दुख को, चढ़ा रहे हैं बलि आज अपने शुक्र। आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ, पूज्य बाबूजी को प्रणाम करता हूँ और समय नहीं है तो सीधा कविता पर आता हूँ। और आदरणीय मित्रा जी, लंबी हाइट होने का नुकसान भी होता है, फायदा होता है। कल मुझे फायदा हुआ, सुरेंद्र ने कहा आप गाड़ी में आगे बैठिए, और आज नुकसान ये है कि शायद माइक को मुझे थोड़ा उठाना पड़ेगा। और मैं सीधा आप लोग की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कविता से जुड़ता हूँ। राम की भक्ति में बस रखो आस्था, राम की भक्ति में बस रखो आस्था, भावना के सुमन फिर से खिल जाएंगे। राम की भक्ति में बस रखो आस्था, भावना के सुमन फिर से खिल जाएंगे। और याद तुम जो करो सबरी की तरह, राम एक दिन तुम्हें मिलने आ जाएंगे। राम की भक्ति में बस रखो आस्था। और मैंने अगर जीवन में कुछ श्रेष्ठ लिखा है, बहू जी ये यज्ञ चल रहा है राम वनगमन पथ यात्रा का, काव्य यात्रा का, तो मैंने राम वनवास लिखा है। मैं वहीं के कुछ छंद, तीन चार छंद आपको समर्पित करता हूँ आदरणीय मित्रा जी। और निषाद राज और भगवान श्री रामचंद्र जी का वो संवाद सिंगरवीरपुर जहाँ हमारी यात्रा पहुंचेगी, माँ
गंगा का किनारा, और वहां मैं आप सबको ले चलता हूँ, वहां की यात्रा कराता हूँ मानसिक रूप से। और भगवान राम केवट से जो है नाव मांग रहे हैं, वहां से ये छोटा कलमकार लिखता है कि यही पार से राम बुलावा तू है, वही पार से केवट कर निकारी, यही पार से राम बुलावा तू है, वही पार से केवट कर निकारी। नमस्कार, दोहे से शुरुआत करूंगी। राम मिलन आशा जगी कौन समझता पीर, बन शबरी बैठी सखी कब आए रघुवीर, कब आए रघुवीर। अब मैं अपना जयकारा लगाऊंगी। स्वर्णिम सूर्य उदित हुआ धरा करे नवल श्रृंगार, राम वन पथ गमन यात्रा का विश्व में हो जय जयकार, विश्व में हो जय जयकार, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो दशरथ नंदन प्यारे की कौशल्या दुलारे की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सकल व्योम में गूंज रही है यश गाथा श्री राम की, सकल व्योम में। राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष, महामंत्री, यात्रा संयोजक व अन्य बंधुवरों का स्वागत किया गया। राजेश पारेख, पवन गोयल, प्रवीण मित्तल, राजेश यादव, डीसीपी मिश्रा, पूरनचंद अग्रवाल, सुबोध मिश्रा सहित सैकड़ों श्रोता सभागार में थे। संस्थापक जगदीश मित्तल द्वारा विशिष्ट बंधुओं का सत्कार व संरक्षण नहीं बन सकते, पर राम के दोस्त तो बन सकते हैं ना। जीवन में कभी ऐसा अवसर आए, ऐसे छोटे छोटे काम, मैं एक लाइन कहा करता हूँ, राम से बड़ा राम का नाम और उससे बड़ा राम का काम। बाबा का तो जन्म ही मुझे ऐसा लगता है कि राम का काम करने के लिए ही हुआ। अयोध्या के अंदर ढांचा गिरने से पहले से लेकर के दीवारों की पेंटिंग, नंगे पांव वहाँ सब करते करते आज भी यहाँ नंगे पांव भी आए, और इतने वर्षों की तपस्या के बाद उनकी साधना सफल हुई है। मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है, तो उस वैसे काम, बहुत छोटे काम राम जी के द्वारा हमें निर्देशित किए जा रहे हैं। कहीं केवट की नाव में चढ़ना, शबरी के जूठे पेट खाना, जटायु पे कश्राद्ध करना, ऐसे जिनको हम उपेक्षित मानते हैं उनके प्रति आज हम श्रद्धा का भाव निर्माण करें। सत्यनारायण मौर्य का परिचय करवाया। मौर्य बाबा जी ने भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप जीवन व्यतीत करने का निवेदन किया। अगर संप्रदाय का मंत्री बना तो सभी जीवन के मंत्री बनाना, उसमें उसमें अंतर क्या था? मियां खलीफा में संप्रदाय का अंतर क्या था? वो भोगवाद का प्रचार कर रहे थे, राम को भोगवाद से भी बचना था। और नाक काटने में बड़ी नाक काट दी, नाक काटने में तो इज्जत खराब कर दी। ये रामायण पढ़िएगा, कल फिर अगर मान लो मौका मिला तो चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने तो बताया ना मेरा बिल्कुल जो राम को देखने का तरीका है, कृष्ण को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। पर तेरे वेद पढ़ना, उसके बाद वेद छोड़ना, वेदांत के मेरे पढ़ना तो सही, नहीं तो छोड़ोगे क्या? ये तो वो है ना, अपने अगर शरद पवार मुख्यमंत्री थे, नरसिंह राव मुख्यमंत्री थे, दाऊद को छोड़ूंगा नहीं, दाऊद को छोड़ूंगा नहीं, मेरे पकड़ तो सही। कल्पना करो यहाँ का कोई झाड़ू निकालने वाला हो, मैंने कविता लिखना छोड़ दिया, लिख तो सही है, मेरे लिख के तो बता। अब ये पवन जी बेटे यहाँ कार्यक्रम करना, परेशान कौन करेगा तुमने? हाँ हाँ तुम कर लो, है ना। अब जब इनकी इज्जत बढ़ रही है तो मेरे जैसा कोई आदमी आए, मैंने तो पैसा कमा नहीं दिया, यार छोड़ दिया, कमा के तो दिखा। ये त्याग का जो अहंकार चल रहा है बहुत भयंकर अहंकार, मतलब जिसको बोलते हैं, मैं आपको ज्यादा नहीं करते करते बोर कर दिया। आप में से एक भी आपने उठा नहीं, जगदीश जी एक बार मेरे को सब्जेक्ट दे दिया तो मेरे को बोलने की आदत नहीं थी। एक बार हमारे प्रचारक थे, उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया मुझे, एक का सभी पूरा बहुत बदलती,
और मेरे को सब्जेक्ट दिया था सत्यनारायण जटिया जो केंद्रीय मंत्री वो आने वाले थे वो आए ही नहीं। कवि सम्मेलन का संचालन राष्ट्रीय कवि संगम के महामंत्री साहित्यकार डॉक्टर अशोक बत्रा ने किया। कि मंच नीचे श्रोता के रूप में आए और कवि ऊपर है, तो मैं थोड़ी सी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाह रहा हूँ। इतने में कुर्सियाँ आगे लगे तब तक मैं यहाँ पर जो कवि आए हुए हैं कुछ तो जो नाम लिखे हुए हैं इनमें कुछ हमारे अतिथि कवि हैं। सर्वप्रथम मैं अतिथि कवियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। गुजरात और हरियाणा ये हमारे अतिथि स्टेट्स हैं जो यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले मैं उन दो स्टेट्स के कवियों को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करूंगा। गुजरात को ये निवेदन किया गया अतिथि हैं, हम चाहते हैं कि हम आपकी कविता के उस तेवर को देख सकें, इसलिए दो दो मिनट की कविता गुजरात के कवि सुनाएंगे और हरियाणा के कवियों को क्योंकि वे इसमें पहले स्थान में हैं उनको एक समय दिया गया है अपना वो समय। गुजरात को श्री राम।